बांग्लादेश की राजनीति उठापटक ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचाया ही है, साथ ही अपने पड़ोसी भारत को भी खासा प्रभावित कर दिया है और उससे जुड़े लोग अब आस में बैठे हैं कि वहां एक चुनी हुई स्थिर सरकार आ जाए ताकि वह पहले की तरह निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर सके। सिलीगुड़ी, बांग्लादेश के हालात अभी ठीक नहीं हैं। वहाँ विरोध प्रदर्शन भले ही थम गया लेकिन अब भी लोग डरे हुए हैं। अंतरिम सरकार अभी पूरी तरह से चीज़ों को संभाल नहीं पाई है तो इसी बीच बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाले व्यापार में भी लगभग ठप हो गया है। भारतीय व्यापारियों को डर है कि कहीं उनका पैसा बांग्लादेश में ना फंसे, तो वहीं बांग्लादेश के हाल में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट है और हिंसा का दौर चल चुका है। सबसे बड़ी आफत वहाँ के हिंदुओं पर टूट रही जो अपनी जान बचाकर भारत में पना लेने सरहद की ओर भाग रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश और भारत के इसी समय क्या स्थिति है, दोनों देशों के बीच विविधता कितना प्रभावित हुआ है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देंगे हम अब। भारत बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर। बांग्लादेश अब भारत का पड़ोसी भले ही हो लेकिन कभी इसी देश का हिस्सा हुआ करता था। आज भी भाषा, संस्कृति और बिरादरी के ताने बाने ये दोनों देश एकजुट हैं और अलग अलग करना आसान नहीं। जब एक हिस्से पर मुसीबत आती है तो दूसरा हिस्सा भी कांप उठता है। जब एक तरफ चोट लगती है तो दूसरी ओर भी तकलीफ महसूस होती है। भारत और बांग्लादेश ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी सीमाएँ मिलती हैं, ये आपस में गुथी हुई हैं और पता ही नहीं चलता कौन सी ज़मीन किसकी है। हमारी टीम ने भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर पर पहुंची। ये बड़ी है दिलचस्प जगह है और शायद दुनिया में ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर आपको कम ही देखने को मिलेगा। यहाँ दो ओर से भारत और दो ओर से बांग्लादेश की सड़कें आकर मिलती हैं। ये कॉरिडोर भारत सरकार ने जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय दिया था। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर पर ढाका है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा चौराहा और एक जगह पर जहाँ दोनों देशों का कानून लागू होता है। अगर कोई भारतीय नागरिक कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर भारत का कानून लागू होगा, वहीं अगर बांग्लादेशी करेगा तो बांग्लादेशी कानून लागू होगा। इस कॉरिडोर को भारत सरकार ने 99 साल के लीज पर बांग्लादेश सरकार को दिया था और इस जगह बांग्लादेश के निवासियों को कोई भी पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। भारत बांग्लादेश में BSF ने बढ़ाई निगरानी। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर लंबी सरहद है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद वहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हज़ारों लोग भारत की सीमा में आना चाहते हैं इसलिए बॉर्डर पर BSF की तैनाती बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर लगभग हर 1 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोलिंग टीम कशवत लगी है ताकि किसी भी तरह से घुसपैठ रोकी जा सके। दरअसल तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हमले बढ़ गए, इससे लोग बेहद डरे हुए हैं। ये डरे हुए भारत के पना लेना चाहते हैं। सिर्फ 10% ही रह गया है व्यापार। बांग्लादेश में बदले हालात में मार भारतीय व्यापारियों पर भी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में हजारों ट्रकों में माल बॉर्डर पर है लेकिन बांग्लादेश में भेजा नहीं जा रहा। ब्रजकिशोर सचिव निर्यात संघ बताते हैं कि हमारे मंडी में बांग्लादेश के साथ होने वाले व्यापार इन दिनों सिर्फ 10% ही रह गया। हम माल नहीं बेच रहे क्योंकि वहाँ से माल का पैसा आएगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। वहीं बैंकों की हालत भी ठीक नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध भी अब पहले जैसे नहीं रहे। समस्या ये भी है कि हमारे पास गोदामों में माल भरा पड़ा है लेकिन उसे आगे नहीं बेच पा रहे क्योंकि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश के बीच पहले हर दिन हजारों ट्रक जाते थे और इधर से उधर होते थे लेकिन अब ट्रकों के चक्का रुक गए हैं। ट्रक संघ सदस्यों ने आरकेश बताते हैं कि बांग्लादेश में हालात बदलने से पहले हर दिन 1000 से 1200 ट्रक सामान लेकर जाते थे लेकिन अब रोज़ाना सिर्फ 100 से 150 ट्रक ही बॉर्डर पार कर रहे हैं। इससे हजारों ट्रक ड्राइवर खाली बैठे हैं। अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि व्यापारी अपना माल बांग्लादेश भेजने से डरते हैं और देखते हैं कि अब हालात कब तक ठीक हो रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति उठापटक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचाया ही है, साथ ही अपने पड़ोसी भारत को भी खासा प्रभावित कर दिया। अब उससे जुड़े लोगों में आस बैठी है कि वहां पर ये चुनी हुई सरकार स्थिर सरकार लाए ताकि वहां पहले की तरह निश्चिंत होकर अपना कारोबार चलाया जा सके। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया।